तो अब आपको समझ में आ गया कि ये सीन हम कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस सीन की प्रोजेक्ट फाइल भी डाउनलोड करके इसको ओपन करके देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और स्वागत है आपका दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी आफ्टर इफेक्ट सीरीज की क्लास 5 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 3D के बारे में। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है एक्चुअली 2D की बजाय 3D सॉफ्टवेयर भी है काइंड ऑफ। इसके अंदर 3D लेयर्स बन सकती हैं, 3D लेयर्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरा इसके अंदर है वो कैमरा आप कैसे एनिमेट कर सकते हैं, नल ऑब्जेक्ट को आप 3D वर्ल्ड के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और 3D में लाइट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय लिए चले चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो हम आ गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 3D के बारे में। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि आफ्टर इफेक्ट्स सिर्फ एक 2D सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनको नहीं मालूम है कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी आप काफ़ी सारे 3D के काम कर सकते हो। हाँ, ये माया मैक्स या ब्लेंडर की तरह कम्प्लीटली 3D करेक्टर एनिमेशन के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, बट मोशन ग्राफिक के अंदर जितना भी आपको 3D की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर पूरी कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आप 3D में बना सकते हो, कैमरा मूवमेंट कर सकते हो। तो हम डिटेल के अंदर इसको पढ़ते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको क्विकली अपने सोशल मीडिया के लिंक्स एक बार दिखा देता हूँ। जिन लोगों को सवाल रहता है कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, तो twitter.com पे जाकर के /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा प्रोफाइल है उसको फॉलो कीजिए। मैं ट्विटर के ऊपर ही डालता हूँ जब भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होती है कि नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है, तो यहाँ पे कनेक्टेड रहिए ताकि आप अपडेटेड रहें। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन और VFX की वीडियोज़ डालता हूँ। कोई भी वीडियो के लिए आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं फ्री स्टॉक फुटेज, ग्रेडिंग के लिए फुटेज, फ्री प्रोजेक्ट फाइल्स, ब्लॉग्स, ये सब डालता रहता हूँ और भी मैं ट्यूटोरियल सीरीज वगैरह इसके ऊपर लाने वाला हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं और कंटेंट इसके ऊपर लेके आ सकूँ। उसके अलावा फेसबुक पेज के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अब चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पर ये हमारे सामने एक क्रेट का टेक्सचर है, एक फ़ोटो है। तो इमेज में क्या होता है, एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। दो ही एक्सिस हमारे पास रहती हैं और ये हमारे पास एक लिमिटेड स्क्रीन है। इस स्क्रीन में हम चीज़ों को लेफ्ट से राइट मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, लेकिन 3D स्पेस में आगे और पीछे नहीं ला सकते। नॉर्मली ऐसा होता है, बट आज हम सीखेंगे कि 3D स्पेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आप थोड़ा सा, कई लोगों को 2D और 3D के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। जिन लोगों को मालूम है दैट इज़ ग्रेट, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम 3D और 2D में बहुत कन्फ्यूजन है उनको एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। मान लीजिए हम कोई भी एक प्लेन ले लेते हैं, ये जेड वाई का प्लेन है, इसको आप एक दीवार समझ लीजिए। ये एक दीवार है, अभी हम पास जो स्क्रीन होती है बस ये इस दीवार की तरह है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और जो यहाँ पर आगे का स्पेस है, जो ये पूरा कमरा है, इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम एक वॉल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं 2D। जब हम पूरा स्पेस यूज़ करते हैं, पूरा रूम यूज़ करते हैं, तो उसे 3D बोलते हैं। थोड़ा और बेटर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक म्यूज़ियम का सीन है। तो इसमें अब आप जो फ्रंट वॉल है, बिल्कुल पीछे वाली वॉल है, जो इस पर एक पेंटिंग लगी हुई है, आप इस पूरी वॉल को अपना आफ्टर इफेक्ट्स का स्क्रीन समझ लीजिए जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो आपका व्यूअर विंडो है उसके ऊपर हमने पेंटिंग लगाई हुई है, जैसा कि हमने इस केस में ये एक फ़ोटो लगाई हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पेंटिंग के साथ, इसको हम लेफ्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, पर अगर हमको इसको पूरा घुमाना हो तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बाहर निकालना हो वॉल से तो हम वो नहीं कर सकते, नॉर्मल केस में ऐसा होता है। तो वो 2D की लिमिटेशन है, लेकिन जो यहाँ पर स्कल्पचर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर जो बुत बना हुआ है, ये उस वॉल से बाहर निकला हुआ है, तो ये इस रूम का जो 3D स्पेस है, जेड एक्सिस है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हमारी जो नॉर्मली जो नीचे वाली एक्सिस है, फ्लोर वाली, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं नॉर्मली, और ये ऊपर की तरह वाई एक्सिस होती है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हम ज़्यादातर काम करते हैं, और ये चीज़ जो बाहर निकली हुई है हमारा, ये जी एक्सिस में बाहर निकला हुआ है। जी बोलते हैं, वैसे जेड एक्सिस लिखते हैं, इसको कई जगहों पर जेड को जी बोला जाता है, तो वो आपकी प्रेफरेंस है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर अभी तक हमने काम किया जो भी लेक्चर पहले लगाए, अब हम जी एक्सिस के बारे में ही पढ़ेंगे कि कोई चीज़ को अगर दीवार से जैसे बाहर निकाल के लाना हो, पूरा रोटेट करके देखना हो उसके अराउंड, उसको डेप्थ में लेके आना हो, तो हम कैसे करेंगे। आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी 2D और 3D के बारे में। आपने शाहरुख खान का वो गाना भी सुना होगा, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। तो बेसिकली शाहरुख खान उस टाइम पे आपको 2D और 3D के बीच में डिफरेंस ही बता रहा था कि 2D जो तस्वीर के अंदर है वो 2D है, अगर वो निकल के बाहर आ जाएगी तो 3D हो जाएगी।
सो यू नो हमारे सेलिब्रिटीज़ कई बार हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, वो तो हम ही हैं जो समझ नहीं पाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सीन में आ गए, ये हमारे पास 2D इमेज है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसको इस एंगल पर रखा हुआ है। एक्चुअली ये 3D बॉक्स है, अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा इसके अंदर कंप्लीट बॉक्स बना हुआ है, जो फ्रंट एंगल से देखने पे सिर्फ मुझे एक स्क्वायर नज़र आ रहा था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू या बिल्कुल एग्जैक्ट किसी साइड व्यू से देखेंगे तो आपको उसकी 2D शेप नज़र आएगी, अगर उसको आप घुमा देंगे तो 3D नज़र आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास घर में ब्रेड का पैकेट पड़ा हुआ है, उसको आप बिल्कुल टॉप व्यू से देखते हैं तो वो आपको स्क्वायर नज़र आएगा। ठीक है, ऐसा नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उसको साइड व्यू से देखते हैं तो आपको वो इस तरह से उसकी प्रॉपर शेप नज़र आएगी। अगर मैं इसको किसी एक एक्सिस में मान लीजिए बड़ा कर देता हूँ, अब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये ब्रेड के पैकेट जैसा हो गया, एक तरफ को बड़ा। अगर मैं इसको साइड से देखता हूँ तो मुझे रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे 3D में घुमाता हूँ तो मुझे पूरा ब्रेड के पैकेट वाली शेप नज़र आ रही है। अभी वापस मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको नॉर्मल साइज़ कर देता हूँ। तो ये मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैसे अचीव किया है, ये चीज़ हम समझने के लिए एक बार करते हैं इसको डिलीट सारे को और शुरुआत से शुरू करते हैं। तो न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करते हैं और 3D टेस्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। नई कॉम्प हमने बना ली, न्यू सॉलिड। अब मैं एक ग्रे कलर का सॉलिड यहाँ ले लेता हूँ, ओके। इसको मैं बेस मान लेता हूँ। न्यू एक टेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं जिसका नाम हम ऑब्वियसली टेस्ट रखेंगे हर बार की तरह। जो नीचे वाली सॉलिड है उसका कलर मैं एक बार थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ज़्यादा वाइट लग रहा है मुझे। राइट, अब ठीक है, तो अब हमें टेस्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और इसका फॉन्ट हम कुछ सिंपल कर लेते हैं, ये ठीक है। अब ये जो टेस्ट लेयर है, अगर मैं P प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो वैल्यूज़ हैं पोजीशन की। ये X वैल्यू है, अगर मैं इसमें इसको मूव करता हूँ तो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है X एक्सिस पे। अगर दूसरी वैल्यू को छेड़ता हूँ तो ये Y वैल्यू है, तो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये X और Y एक्सिस है, यानी 2D, हम इस टाइम 2D लेयर है हमारी। अगर इस लेयर को 3D में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर ये आपको क्यूब जैसा बॉक्स नज़र आएगा 3D लेयर का। इसके आगे आप इसको क्लिक करें तो ये लेयर जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑप्शंस चेंज हो गई। पोजीशन में X, Y के अलावा एक और वैल्यू आ गई, जो अभी जीरो है, ये Z एक्सिस की वैल्यू है, Z एक्सिस की वैल्यू है। या फिर अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये पास जा रहा है और दूर जा रहा है। ठीक है, अब कई लोग को लगेगा कि ये स्केलिंग जैसा है, मान लीजिए मैं इसको स्केल करता हूँ तो भी देखने में हमें ऐसे ही लगता है, बट इसमें डिफरेंस है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ये टेस्ट लेयर को लिखता हूँ यहाँ पर 3D, और इसकी कॉपी लेता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ उसका नाम 2D। और जो 2D लेयर ये आई है, इसको पोजीशन को मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ मूव कर देता हूँ इस तरफ, और 3D वाली को थोड़ा इस तरफ मूव कर देता हूँ। अब जो ये 2D वाली लेयर है, इसको मैं स्केल पे आता हूँ, इसके एक की लगाता हूँ और कुछ फ्रेम के बाद जा करके स्केल बड़ा कर देता हूँ, तो ये बड़ी हो गई लेयर ऐसे। और 3D वाली जो लेयर है उसकी मैं पोजीशन पे की लगाता हूँ, स्केल नहीं करता उसको, और उसको ये Z एक्सिस में उसकी वैल्यू को इधर लेके आता हूँ, तो ये यहाँ पर ये बड़ा हो गया 3D। तो ये ऑलमोस्ट दोनों बराबर से बड़े हो रहे हैं, देखने में एक जैसी एनिमेशन लग रही है, बट इसमें मैंने 2D के केस में मैंने स्केल किया और 3D के केस में मैंने इसको पास लाया। हालांकि ये दोनों लेयर इस टाइम पे 3D हैं, बट मैंने आपको बताने के लिए कि 2D में हम नॉर्मली स्केलिंग करते हैं, तो इसमें मैंने मूवमेंट नहीं दी, और 3D जो है उसके अंदर मैंने आपको मूवमेंट देखी है Z एक्सिस में, जो कि हमारी थर्ड एक्सिस है। डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर आप एक्टिव कैमरा लिखा हुआ है इस पर देख सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, फ्रंट लेफ्ट इस तरह से। आपके पास एक कस्टम व्यू की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक किया, हमको 3D स्पेस के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेयर जो हैं बिल्कुल साथ साथ हैं। जैसे हम आगे मूव करना शुरू करते हैं टाइमलाइन को, तो आप देख रहे हैं 3D की लेयर एक्चुअली आगे आई है और 2D की लेयर सिर्फ वहीं पे खड़े खड़े स्केल हो रही है। ठीक है, वो मूव नहीं कर रही आगे को, तो ये रियलिटी है यहाँ पर। अगर आपको इसको 3D स्पेस को घुमा के देखना है तो यहाँ पर ये कैमरा का बटन बना है, इस पर आप क्लिक करें, ऐसे आप इसको घुमा के देख सकते हैं। देख रहे हैं 3D लेयर जो है आगे है 2D लेयर से। अगर मैं इसको एनिमेशन को मूव करता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि 2D सिर्फ वहीं स्केल हो रहा है और 3D आगे आ रहा है। तो स्केलिंग और Z एक्सिस में मूव करने में ये डिफरेंस है। वापस से हम एक बार इसको एक्टिव कैमरा पे ले आते हैं, जो हमारा नॉर्मल कैमरा व्यू था, और अभी हम इस 2D लेयर को तो डिलीट ही कर देते हैं, 3D की हम इसको डिलीट कर देते हैं अभी एनिमेशन को।
इसको वापस थोड़ा इधर ले आते हैं। अब लास्ट टाइम मैंने आपको शेडो बनाने का तरीका बताया था, कॉपी लेके आप स्लांट कर सकते हैं। इसके अंदर मान लो मुझे शेडो बनानी है यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने कॉपी लिया 3D लेयर को, यहाँ पर इफेक्ट्स में जा करके, वैसे इफेक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं फिल करने वाला था वो, बट हमें आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने, अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो फिल करना पड़ता है, टेक्स्ट है तो आप सिंपली उसको ब्लैक कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पर R प्रेस करता हूँ तो रोटेशन की मेरी ऑप्शन के अंदर पहले सिर्फ सिंगल रोटेशन होती थी, अभी एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस में रोटेट कर सकता हूँ मैं इसको। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करता हूँ तो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये काइंड ऑफ मेरी इसकी 3D शेडो बन गई। और इसको मैं सिंपली थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ तो ये 3D शेडो वाली लुक आ गई, जैसे लाइट पीछे से अगर हिट कर रही है 3D शेडो ऐसे बनेगी, और अगर आप इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो जैसे सामने से हिट करेगी तो ऐसे 3D शेडो बनेगी। तो इस तरह से आप जो है 3D को यूज़ करके शेडो भी बना सकते हैं, अगर आपको नीचे प्लेन के ऊपर रखी हुई चीज़ दिखानी। बट ये तो चलो फेक शेडो हो गई, अगर आपको रियलिस्टिक शेडो बनानी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू सॉलिड ग्रे ही ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फ्लोर, ओके, और इसको बना लेते हैं 3D। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री। अच्छा, रोटेशन करने के लिए एक तो ये तरीका है, एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर एक टूल बना हुआ है रोटेशन का, ये W इसका शॉर्टकट है, अगर आप इसको लाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी एक्सिस पकड़ के उसमें रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं एक्स एक्सिस से रोटेट कर रहा हूँ, एक्स लिखा हुआ दिख रहा है मुझे जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, जैसे देख रहे हैं अभी रोटेशन का पॉइंटर बना हुआ है, जैसे मैं किसी एक्सिस पे आऊँगा तो उसका नाम लिखा आ जाएगा, वाई लिखा हुआ आ गया। अब मैं वाई एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, इसी तरह से नीचे यहाँ पे आऊँगा तो जेड एक्सिस में इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, बिकॉज अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे रोटेट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, ओरिएंटेशन जो है इसकी वैल्यूज चेंज होती हैं, जैसे आपकी लेयर 3D बनती है तो एक ओरिएंटेशन का पैनल आ जाता है, लेकिन ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पर आप सिंगल की लगा सकते हैं तीनों एक्सिस के लिए एक साथ है, एक्स वाई और जेड, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सिंगल सिंगल एक्सिस को अलग से कंट्रोल करूँ, तो मैं चीज़ों को अब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट करके उस पर की लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ इसको एक्स में 90 डिग्री कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको मुझे मूव करना है तो मुझे रोटेशन टूल से बाहर आना पड़ेगा, वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल में जाऊँगा मैं और इसको नीचे मूव कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमारा बैकग्राउंड था इसका नाम एक तो मैं BG कर देता हूँ, और इसको फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे ठीक से। अब जो मेरा बेस लेयर है फ्लोर लेयर, उसको नीचे ले आते हैं, फ्लोर लेयर हमारी यहाँ पर आ गई है, इसको मैं अगर यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये स्केल हो जाएगा इस एक्सिस में, और अगर इधर से ड्रैग करूँगा तो ये इस एक्सिस में स्केल हो जाएगा। अब मेरी 3D लेयर जो है इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो आप देखिएगा जैसे ही ये फ्लोर के साथ टच होगी फ्लोर इसको कट कर देगा, तो ज़मीन के अंदर जा रही है और ज़मीन के बाहर आ रही है, तो ये एक्चुअली फ्लोर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, जो हमारी फ्लोर वाली लेयर हमने बनाई है। तो 3D में ये बेनिफिट है, आप एक्चुअल उसको 3D वर्ल्ड के अंदर चीज़ों को मूव कर सकते हैं। एक बार दोबारा से आपको कस्टम व्यू में मैं दिखाता हूँ ये चीज़, देख रहे हैं यहाँ पर आप कैमरा पे हम जाते हैं या सी प्रेस करके भी जा सकते हैं, तो ये 3D की लेयर जो है ये रखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, ये दोनों हमारी 3D लेयर्स हैं और ये 3D टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने ये इसके ऊपर रखा हुआ है। अब हम वापस से एक बार एक्टिव कैमरा में आ जाते हैं। अब असली शेडो क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रियल वर्ल्ड में क्या होता है असली शेडो क्रिएट करने के लिए, लाइट, जब लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके ऑपोजिट साइड में उसकी शेडो पड़ती है, तो राइट क्लिक करके न्यू पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप जो है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था कि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर लाइट होते हैं, तो हमने उस टाइम पे समझा नहीं था बिकॉज आप उस टाइम पे तैयार नहीं थे इसके लिए, आज आप तैयार हैं इसके लिए, तो हम लाइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्पॉट लाइट की ऑप्शन आ रही है, अलग अलग तरह की कुछ लाइट्स हैं, पैरेलल, स्पॉट, पॉइंट, अलग अलग टाइप की हैं। अभी हम स्पॉट लाइट लेते हैं, इसका कलर जो है वाइट रखते हैं, और कास्ट शेडो अगर ऑफ हो तो इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा, अभी इसको नन ही रख लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी लाइट बन गई। जैसे ही यहाँ पर लाइट बनी आप देख रहे हैं कि वो लाइट ने जो है अपना काम शुरू कर दिया, जो चीज़ें लाइट के रेंज में हैं स्पॉट लाइट की वो चीज़ें ब्राइट नज़र आ रही हैं, जो नहीं है वो नहीं नज़र आ रही। अगर मैं इसको कस्टम व्यू में जाके देखता हूँ तो हमारी लाइट इस तरह से दिखाई दे रही है, सामने से पड़ रही है इस टेक्स्ट के ऊपर, और जो है टेक्स्ट के बैक साइड पर आपको ऑब्वियसली काला नज़र आएगा क्योंकि रोशनी फ्रंट साइड से पड़ रही है। आप इसको लाइट को जो है वी प्रेस करके मूव भी कर सकते हैं, पूरा लाइट के साथ देखिए पूरा का पूरा सब कुछ मूव हो रहा है, और वो अगर हम पूरा मूव कर देते हैं तो 3D टेक्स्ट भी हमारा गायब हो जाता है, वो भी दिखना बंद हो जाता है। अब कंट्रोल जेड एक बार प्रेस करते हैं,
एक बार नॉर्मल एक्टिव कैमरा में आते हैं, अभी बार बार एक्टिव कैमरे में जाना और वो करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वन व्यू लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के व्यूज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ टू व्यूज़ हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो विंडो बन करके आ गई इस तरह से। अगर मैं लेफ़्ट विंडो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर टॉप लिखा हुआ जाता है, राइट पे क्लिक करता हूँ तो एक्टिव कैमरा लिखा जाता है। तो बेसिकली आप अलग अलग विंडो में अलग अलग कैमरा एंगल देख सकते हैं। लेफ्ट पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ और टॉप की बजाय यहाँ पर कस्टम व्यू कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना कस्टम व्यू कभी भी चेक करूँ तो कर सकता हूँ, और इधर जो है मेरा अभी करंट कैमरा एंगल जो है वो मुझे नज़र आता रहेगा। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लाइट है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये 3D लेयर के पीछे हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल से एक बार लाइट को सिलेक्ट करो, और ये गलती से मैंने फ्लोर सिलेक्ट कर लिया, तो एक बार कंट्रोल जेड प्रेस कर दें। अगर आपको गलती से कोई लेयर पकड़ी जाती है उससे बचना चाहते हैं तो यहाँ पर इस लेयर पर जाकर के लॉक का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें तो लेयर लॉक हो जाएगी। अब मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता गलती से। तो 3D में काम करते टाइम ये चीज़ बड़ी हैंडी आती है, अगर फ्लोर आपसे गलती से सिलेक्ट हो रहा है बार बार तो उसे लॉक कर दीजिए। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी जो लाइट वाली लेयर है, मैं इसको यहाँ से पकड़ करके मूव करता हूँ तो ये हमारा 3D जो है टेक्स्ट दिखना बंद हो गया बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर कस्टम व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टॉप व्यू नज़र आ रहा है। अब इसमें एक लाइन देख रहे हैं ये रेड से कलर की, ये बेसिकली हमारा टेक्स्ट है। अगर यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, 3D लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो देख रहे हैं ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पर। तो टॉप से हमारा टेक्स्ट जो है हमको इस लाइन की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें जो है एक प्लेन के ऊपर ही है, लाइक आपने एक कार्डबोर्ड खड़ा कर दियो तो टॉप से आपको लाइन की तरह नज़र आएगा वो। ये हमारी लाइट है जो आगे निकल चुकी है, और ये हमारी लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ मैं, तो मैं इसको पीछे की तरफ घुमा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको पीछे घुमा दिया और यहाँ पर टॉप की बजाय मैं अब साइड व्यू में आ जाता हूँ, राइट व्यू में आ जाता हूँ, तो जो है ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है पड़ा हुआ है, और ये मेरी जो है लाइट को मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे, थोड़ा इस तरह से। तो अब ये बैक साइड से सेट कर रही है। अब ये मुझे कुछ कुछ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बैक में कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज सब कुछ काला है, वो काले के अंदर यहाँ इसका ब्लैक हिस्सा दिख नहीं रहा। तो अगर मैं BG को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, जो हमारा 2D BG था, तो देख रहे हैं पीछे एक बैकग्राउंड हमें मिल गया ताकि हमें चीज़ दिखाई दे जाए। अब ऐसा है, ये हमें फ्रंट में जो है शेडो नज़र आ रही है और बैक साइड से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। अगर मैं इसको राइट पे जाकर कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, तो 3D के बैक साइड से देख रहे हैं यहाँ पर इसके ऊपर ये येलो कलर का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ब्राइट लाइट पड़ रही है, और फ्रंट साइड से जो है ये डार्क हो गया, ठीक है। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि शेडो तो पड़ी नहीं, जो मेन जिसकी बात हो रही थी कि यहाँ पर ज़मीन पर शेडो पड़ेगी, तो उसके ऊपर अभी हम आ रहे हैं। अब हमारे जैसे ही हमने कोई लेयर को 3D बनाया होता है, अगर आप उसके ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो नॉर्मल आपके ट्रांसफॉर्म के अलावा एक नीचे मटेरियल ऑप्शन भी आ जाती हैं। इसका शॉर्टकट है, अगर आप इसको पकड़ के डबल ए क्लिक करते हैं तो मटेरियल ऑप्शन खुल जाएंगी आपकी, ठीक है। सिंगल ए से एंकर पॉइंट आता है, डबल ए से मटेरियल ऑप्शन आती हैं। बाकी अगर भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप क्लिक करके इसको यहाँ पर जाके भी खोल सकते हैं। तो फिलहाल मैं डबल ए से खोल लेता हूँ ताकि सिर्फ मटेरियल ऑप्शन खुलें। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ है ये कास्ट शेडोज जो ऑफ है अभी, तो अभी हमारी 3D लेयर है वो शेडो कास्ट करेगी नहीं। इसको हम ऑन कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, देख रहे हैं सामने शेडो बनी हुई आगे ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप शेडो बना सकते हैं। अब ये एक्चुअल 3D शेडो है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा को घुमा के आपको दिखाऊं, तो ये शेडो बनी हुई है। अगर मैं वी प्रेस करके इस लाइट को मूव करता हूँ तो शेडो देख रहे हैं, जिस तरह से लाइट मूव हो रही है उस तरह शेडो एग्जैक्टली वैसे बिहेव करेगी जैसे उसे करना चाहिए। तो ये ट्रू शेडो बन रही है यहाँ पर। लाइट की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ बाद में चेंज करनी हो तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं उसके ऊपर। लाइट का मान लो मैंने कलर चेंज करना है, मैं इसे रेड कर देता हूँ तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। कोई भी कलर आपने करना है कलर चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम इसको वाइट ही रखते हैं। यहाँ पर कास्ट शेडो को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर शेडो नज़र नहीं आएंगी। तो कई बार लोगों के साथ ये गड़बड़ होती है कि वो यहाँ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो ऑन कर देते हैं ऑब्जेक्ट की कास्ट शेडो, बट इधर लाइट के अंदर ऑन नहीं होती और परेशान होते रहते हैं कि सर लाइट ऑन ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, कास्ट शेडो ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉल ऑफ मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट हमने नन लिया है। इसको अगर आप दो ऑप्शन और हैं, स्मूथ करते हैं तो आपकी लाइट की जो है रेंज वो कम हो जाएगी। अगर इन्वर्स स्क्वायर क्लैम्प्ड करते हैं तो रेंज लिमिटेड हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, लेकिन लाइट जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे कम होती जाएगी। इनमें फ़र्क क्या है? जो नन है ये ऐसा अज्यूम कर रहा है कि लाइट जो है आगे तक जो है उतनी ही इंटेंसिटी से पहुंचती जा रही है। अगर आप इन्वर्स स्क्वायर क्लैम्प करते हैं तो रियल वर्ल्ड में ऐसी ही लाइट काम करती है।
इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं, जिसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा। बेसिकली क्या होता है, आप अगर देखते भी होंगे किसी भी लाइट के सोर्स के जितना पास आप होंगे उतना वो ब्राइट रोशनी क्रिएट कर रहा होता है, जितना वो लाइट से दूर जाते जाते हैं उसकी रोशनी कम होती जाती है, और एक लिमिट के आगे जाकर के लाइट का वो सोर्स जो है वो चीज़ों को एलिमिनेट करना बंद कर देता है। जैसे एक स्ट्रीट लाइट है, उसकी एक रेंज होती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रोशनी करता है, उससे दूर जाने के बाद जो है उसकी रोशनी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसे ही है। हर लाइट ऐसी नहीं कि लाइट एंडलेसली सब कुछ दिखाती जाएगी एंड तक, हर लाइट की एक रेंज होती है। तो इन्वर्स स्क्वायर ला वो चीज़ के हिसाब से काम करता है। अब फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ऑन रख लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 3D लिखा हुआ है, अब ये बिल्कुल ब्लैक हो गया है। मेरे को शेडो फ्रंट में चाहिए तो मैं लाइट पीछे लगाऊंगा, बट 3D लिखा हुआ बिल्कुल ब्लैक हो गया, बट मैं चाहता हूँ कलर भी नज़र आए मुझे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है हमारे पास लाइट ट्रांसमिशन की, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं वो अपने अंदर से लाइट को पास करने की ऑप्शन देता है। तो अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो ये बेसिकली लाइट उस चीज़ के अंदर से निकल रही है और हमारी शेडो में मिक्स हो रही है, तो एक बड़ा क्रेजी सा ये इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर आपको ये शेडोज़ के अंदर मिक्सिंग नहीं चाहिए उस कलर के ऑब्जेक्ट के, तो आप इसको जो है थोड़ा कम रख सकते हैं, हल्की फुल्की अभी मिक्सिंग हो रही है। ट्रांसमिशन एक्चुअलिटी में क्या होती है, मान लीजिए कोई आपका मटेरियल है जो लाइट को अपने अंदर से सचमुच में पास होने देता है, तो उससे क्या होगा कि उसके आगे जो रिफ्लेक्शंस पड़ने वाले हैं ज़मीन के ऊपर उनके अंदर लाइट का कुछ कलर आएगा, उसको बोलते हैं हम लाइट ब्लीड। ये 3D के कंसेप्ट है वैसे, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कॉस्टिक्स नाम अगर आपने कभी सुना हो तो उसके अंदर जो है आपकी रिफ्लेक्शंस के अंदर कलर आता है लाइट का थोड़ा सा। तो मैं अगर इसको बढ़ाता जाता हूँ तो बेसिकली ये समझ लीजिए जैसे ग्लास का टेक्सचर है, ये ग्लास की बॉल यहाँ पे अगर रखी हो येलो कलर की, उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं तो दूसरी साइड जब शेडो बनेगी उसकी तो वो शेडो ब्लैक नहीं बनेगी, क्योंकि उस येलोइश ग्लास बॉल के अंदर से लाइट पास हो रही है तो वो शेडो के अंदर भी येलो टोन आएगी। तो मैं आपको इसका कोई एग्जांपल दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये इमेज देख रहे हैं तो एक ग्लास की अगर बॉल्स रखी हुई हैं तो ब्लैक बॉल यहाँ पे सिंपल ब्लैक शेडो क्रॉस कर रही है, जो ग्लास की येलो बॉल है उसके अंदर से लाइट जब पास करेगी तो वो कुछ ऐसे येलो टोन की शेडो नज़र आएगी, ब्लू में ब्लू रेड में रेड। तो बेसिकली ये कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो लाइट ट्रांसमिशन को आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको कलर नहीं चाहिए शेडो तो आप उसको लिमिटेड बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका बस ऑब्जेक्ट का कलर आपको दिखने लग जाए। जैसे मैं 15 तक रखूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट साफ नज़र आ रही है और शेडो मेरी ब्लैक ही है। अब स्पॉटलाइट पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इसकी यहाँ पर ऑप्शन आ जाती हैं सारी, तो इसके अंदर यहाँ पर शेडो डिफ्यूज़न की ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगी। अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो आप देख रहे हैं शेडो बिल्कुल शार्प बन रही है। अगर आप कैमरा वाले बटन को क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर उसकी भी ऑप्शन आ जाती है, ऑर्बिट कैमरा टूल ट्रैक XY ट्रैक Z। तो बेसिकली आप अगर सिर्फ जेड एक्सिस के अंदर ट्रैक करना चाहते हैं तो उससे ऐसे हो जाएगी, पास दूर जा सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ आप अगर लेफ्ट राइट करना चाहते हैं पैन तो ऐसे हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ रोटेट करना चाहते हैं ऑर्बिट करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो ये ऑप्शन है ऑर्बिट यूनिफाइड कैमरा टूल, तो यूनिफाइड कैमरा टूल क्या करता है, इसके अंदर तीनों के तीनों टूल एक साथ काम करते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ लेफ्ट बटन से मूव इधर को घुमाता हूँ तो ये ऑर्बिट टूल का निशान बना हुआ गया है, अगर मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ आगे पीछे तो ये जेड एक्सिस में ट्रैक हो रहा है, अगर मैं सिर्फ मिडल माउस बटन प्रेस करके लेफ्ट राइट मूव करता हूँ तो पैन हो रहा है। तो मेरे तीन माउस बटन से जो हैं ये तीन तरह की मूवमेंट आ रही है मेरे पास, और ये यूनिफाइड कैमरा टूल के अंदर ऐसा होता है। अगर आप जो है सिंगल कोई ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट बटन ही माउस का काम करेगा आपका, और उस पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर ही आप मूव कर पाएंगे। तो मैं यूजुअली नॉर्मली यही सजेस्ट करूँगा कि यूनिफाइड कैमरा टूल ही आप इस्तेमाल करें, वो बेटर है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3D का पूरा टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं इसको शेडो लाइट लेयर को थोड़ा पास ले आता हूँ, थोड़ा इसको उठा देते हैं, देख रहे हैं थोड़ा उसके अंदर आने लग गया फील्ड के, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा और इसको पास ले आते हैं, थोड़ा और उठा देते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। अब ये बेसिकली जैसे जैसे मैं लाइट को पास ला रहा हूँ और ऊपर लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे शेडो छोटी होती जा रही है। तो ये रियल वर्ल्ड में भी आपने देखा है, जब सूरज हमारा सर के ऊपर आता है दोपहर को तो परछाइयाँ छोटी पड़ती हैं, जब सूरज हमारा नीचे आता जाता है और दूर होता जाता है तो परछाई लंबी पड़ती जाती है। तो सिंपली वही यहाँ पर जो है फिजिकल प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो रियल वर्ल्ड जो फिजिक्स होती है वही यहाँ पर काम करती है। अब यहाँ पर 3D आपको साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। स्पॉटलाइट पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, जो आपको दिखाना चाहता था कि शेडो डिफ्यूज़न पे अगर मैं इसको 50 करता हूँ, मान लीजिए कम करता हूँ अभी, जैसे 50 किया थोड़ी सी शेडो ब्लर हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको मान लीजिए 500 कर देता हूँ तो ये शेडो पूरी ही ब्लर हो गई है। तो आपको ये देखना है कि आपको लाइट सोर्स कैसा दिखाना है।
जब आपके घर में आप अगर ट्यूबलाइट की रोशनी में कोई चीज़ों की शेडो देखेंगे तो इस तरह से थोड़ी ज़्यादा फैली हुई होंगी। जब आप दोपहर की सनलाइट के अंदर अगर किसी चीज़ की शेडो देखेंगे तो वो आपको शार्प नज़र आएगी। हो सकता है एग्जैक्टली जीरो शार्प ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसकी, मान लीजिए 5 कर देता हूँ मैं इसकी 4 या 5 वैल्यू, इतनी कुछ शार्प तो होगी डेफिनेटली। तो अगर आपका लाइट सोर्स जो है बहुत हाई इंटेंसिटी का है सूरज की तरह, तो आपकी शेडो ऐसी पड़ेंगी। और अगर वो बिल्कुल टॉप पे है, अगर आपका लाइट सोर्स सॉफ्ट लाइट सोर्स है ट्यूबलाइट की तरह, तो शेडो आपकी फैलो ही बनेगी। तो ये मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो गया आप 3D किस तरह काम कर रहे हैं। अब एक बार फ्लोर का जो है इसको भी हम एक बार इसका लॉक हटाते हैं और डबल ए प्रेस करके इसके मटेरियल ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सेप्ट लाइट्स और एक्सेप्ट शेडोज़ की ऑप्शन है, वो उस मटेरियल के अंदर भी थी। अगर मैं एक्सेप्ट शेडोज़ को ऑफ कर देता हूँ तो ये बेसिकली 3D की शेडो को बनाएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी एक केस है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपने जो 3D वाला मटेरियल है, 3D वाली जो लेयर थी उसके अंदर आपने कास्ट शेडो ऑन की हुई है, आपकी स्पॉटलाइट के अंदर भी शेडो ऑन है कास्ट शेडो, उसके बाद भी अगर शेडो ना बन रही हो तो उसका रीज़न ये होगा कि आपका जो दूसरी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर शेडो बननी है उसके अंदर जो है यहाँ पर एक्सेप्ट शेडोज़ की ऑप्शन ऑफ पे होगी। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ऑन पे आ जाएगी, यानी कि अब शेडो बन जाएगी। एक और बार क्लिक करने पे ओनली की ऑप्शन भी आती है। ओनली क्या करते हैं कि सिर्फ शेडो को ही एक्सेप्ट कर रहा है, अब लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको वापस से मैं ऑन पे कर देता हूँ। एक अलग से बटन भी यहाँ पर एक्सेप्ट लाइट्स का, अगर ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ ऑफ करता हूँ तो इस टाइम पे शेडोज एक्सेप्ट कर रहा है, ऑन है शेडोज और लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऑफ है लाइट, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को छेड़ करके आप अपने जो है 3D शेडोज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइट ट्रांसमिशन मैंने आपको बता ही दिया है, और ये स्पेकुलरिटी वगैरह जो है ये इसकी इंटेंसिटी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। स्पेकुलर क्या होता है, जो शाइन आपके सरफेस के ऊपर आती है, अगर मैं स्पेकुलर को बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, देख रहे हैं लाइट थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, कम करूँगा तो थोड़ा वो कम शाइनी हो जाएगा, ठीक है। और स्पेकुलर शाइनीनेस को कम ज़्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से लाइट जो उसके ऊपर स्प्रेड होती है वो चेंज हो जाएगी। हालांकि ये स्क्वेयर के ऊपर इतना जो है एविडेंट आपको नज़र आएगा नहीं, बट ये कंसेप्ट है। तो आपको 3D वर्किंग तो समझ में आ गई कैसे होती है। अभी मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ सब चीज़ को, और न्यू कॉम्प बनाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं 2 व्यूज़ की जगह 1 व्यू कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं यहाँ पर इमेजेस में, एक एक क्रेट का एग्जांपल मैं यहाँ पर है लेकर के आता हूँ, इसको यहाँ ड्रॉप किया मैंने, इधर ड्रॉप किया, तो ये मेरे पास जो वह है टेक्स्चर आ गया। ये वही टेक्सचर है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो ये सिंपल एक फ़ोटो है, एक इमेज है। अब इस इमेज से मैं 3D बॉक्स आपको बनाना बताऊंगा। तो आप फिर आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं। ये अभी मेरे पास सिंपल पड़ा हुआ क्रिएट, यहाँ पर इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये अपनी खुद की लेयर विंडो के अंदर खुल जाएगा। यहाँ पर एंकर पॉइंट इसका इधर पड़ा हुआ है। अब मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर क्लिक करके पैन बिहाइंड टूल से एक बार नीचे ले आता हूँ, ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ स्नैप कर देता हूँ नीचे। अगर आपका स्नैप नहीं हो रहा तो स्नैपिंग का यहाँ पर ऑन कर लीजिएगा। वापस कंपोजिशन में आते हैं। बेसिकली अब मैं R प्रेस करके देख लेता हूँ कि हाँ एंकर पॉइंट यहाँ से मूव रोटेट हो रहा है। एंकर पॉइंट मैंने पहले ही सेट कर लिया है। अब मैं V प्रेस करता हूँ। अब इस लेयर को मैं 3D बना देता हूँ। 3D बनाते क्या हुआ, अब जो मैं यहाँ पे मान लीजिए एक्स में रोटेशन करता हूँ तो मेरा एंकर पॉइंट नीचे है, तो ये बॉटम से रोटेट हो रहा है रादर देन सेंटर। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि मैं चाहता हूँ बॉटम से रोटेट करके मैं इसकी कॉपीज ले सकूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 2 व्यूज़ बना लेता हूँ यहाँ पर। इधर वाले व्यू के अंदर मैं जो है इसको कस्टम व्यू बना लेता हूँ। इस बॉक्स की मैं इस जो एक लेयर है हमारे पास, एक वॉल है जो बॉक्स की, इसकी कॉपी लेता हूँ। इसके रोटेशन में जा करके इसको मैं यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 90 डिग्री रोटेट किया ये इस तरफ आ गया। अब मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, इसको मैं ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। इसको मैं कितना मूव करूँगा, एक बार मैं यहाँ पर जो है फ्रंट व्यू में हम आ जाते हैं, तो मेरे को ये इसको अलाइन करना है टॉप वाली लाइन के साथ ताकि वो बिल्कुल उसकी छत बन जाए। तो यहाँ पर मैं अलाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब फिर से हम इधर कस्टम व्यू में आ जाते हैं। अब हमारे पास छत हो गई, ज़मीन हो गई, एक दीवार हो गई। अब हमें 3 वॉल्स और चाहिए, तो हम एक वॉल की कॉपी लेते हैं, Ctrl-D प्रेस करके इसको इधर मूव कर देते हैं, ठीक है। इसको भी एक्यूरेटली करने के लिए मैं राइट व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है जूम करके इसको राइट व्यू में सही अलाइन कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर मिल जाए एज टू एज।
ठीक है, अब हम वापस से इसको कस्टम व्यू में ले आते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट और राइट जो है ये दो चीज़ें रह गई हैं। उसके लिए मैं अगर तो इसकी एक बार कॉपी लेता हूँ, अब की बार मैं इसको रोटेट करूँगा लेकिन जो है एक्स के बजाय वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में मैं इसको 90 रोटेट कर लेता हूँ। और अब मैं पोजीशन पे जा करके इसको मुझे मूव करना है यहाँ जेड एक्सिस के अंदर, तो मैं इसको कितना मूव करूँ कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ आ जाए। हमारा जो ये इमेज है, ये इमेज पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इसका 512x512, मतलब 512x512 की ये इमेज है। अगर मुझको इसकी आधी लेंथ तक इसको मूव करना है तो 512 का आधा होगा 256, तो मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसमें प्लस 256 कर देता हूँ तो एग्जैक्टली सही जगह बैठ जाएगा। ऐसे ही मुझे इसको इस एक्सिस में मूव करना है, ये जो कि यहाँ पर 960 है इसमें मैं प्लस 256 कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने उस तरफ मूव कर दिया, माइनस 256 करना था, चलो कोई बात नहीं, एक कॉपी वहाँ भी चाहिए थी वो लग गई। उसकी एक और कॉपी लेता हूँ, इस वाले को मुझे नीचे की तरफ मूव करना है तो मैं इसको यहाँ पर माइनस करूँगा, लेकिन 256 नहीं, इस बार मैं माइनस 512 करूँगा क्योंकि मुझे कंप्लीट लेंथ तक चाहिए। और ये इधर आ गया, अब हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अगर मैं कैमरा टूल से इसको मूव करके देखता हूँ तो ये बॉक्स हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब हम इस व्यू में आते हैं, नॉर्मल व्यू में, टू व्यूज से इसको वन व्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा सिंगल व्यू में हम आ गए, और यहाँ पे मैं इसको अगर घुमाता हूँ तो इस टाइम कुछ भी घूम नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है, अभी तक मैंने वो कैमरे के बारे में बताया। एक बार मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, सारी लेयर्स। फिर यू प्रेस करता हूँ, सारी की सारी इसकी जो है खुली हुई ऑप्शंस बंद हो जाएंगी, तो क्लीन हो जाएगी हमारी विंडो यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और कैमरा पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही कैमरे पर क्लिक किया, कैमरे की कुछ ऑप्शंस आ गई, तो यहाँ पर आप वन नोड कैमरा, टू नोड कैमरा ले सकते हैं। वन नोड क्या है, सिंगल कैमरा होता है। टू नोड में कैमरा और उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग से आता है। ये 15 mm, 28 mm अलग अलग इसके प्रीसेट हैं, 200 mm। जो लोग कैमरा ऑपरेट करना जानते हैं वो समझते हैं कि ये फोकल लेंथ वगैरह से क्या होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको अभी ऐसे ही ले रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की, वो हम आगे भी उसको देखेंगे। अब ये कैमरा लग गया, जैसे ही कैमरा लगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ व्यू सा बदल गया वहाँ पर। अब मैं कैमरा को थोड़ा सा राइट क्लिक करके दूर ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं इसको रोटेट करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा कैमरा व्यू यहाँ पर आ गया, लेकिन ये मेरे पास अलग अलग जो हैं सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर मुझे इसे इकट्ठा रोटेट करना है बॉक्स को तो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सारों को पकड़ता हूँ, सब लेयर्स को, जितनी भी 3D लेयर्स हैं, और यहाँ पर लेयर पर जाकर के प्री कंपोज पर क्लिक करता हूँ, या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी आप प्रेस कर सकते हैं। इसमें सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर रहेगी, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्रिएट 3D। ओके, मैंने इस क्रिएट को 3D बना दिया। अब मैं इसके रोटेशन पे रोटेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल रोटेशन की ऑप्शन है, ये कॉम्पोजिशन तो 3D रही नहीं, तो एक बार मैं इसकी 3D वाली ऑप्शन जो है इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 3D अनेबल कर देता हूँ। अब ऑप्शन आ गई है, अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये प्लेन की तरह रोटेट हो रही है। हमारा पूरा बॉक्स बनाया था वो तो गायब हो गया। जब किसी नई कॉम्पोजिशन के अंदर आप डाल देते हैं कंटेंट को, तो उसकी अंदर की प्रॉपर्टीज़ को रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, इस पर अगर आप लिखेंगे यहाँ पर आएंगे तो लिखा होगा कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेक्टर लेयर कॉन्टीन्यूअसली रास्टराइज। इसको अगर आप ऑन कर देंगे इस लेयर पे, तो ये बेसिकली जो इस कॉम्पोजिशन के अंदर जो भी कुछ चल रहा था 3D का, उसको रिस्पेक्ट करेगा और उसको एज ए 3D ही दिखाएगा। अगर इसको आप ऑफ रखेंगे तो ये सारे को कोलैप्स करके बेसिकली सिंगल 2D लेयर बना देगा इसको। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब हमारा 3D बॉक्स बन गया है। अब अगर मैं ये रोटेशन टूल लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको घुमा करके 3D बॉक्स को यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम ये कैमरा को एक बार जो है राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म पर जाके रीसेट कर देते हैं, तो कैमरा अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा। और ये 3D क्रिएट जो है इसको भी राइट क्लिक करके रीसेट कर देते हैं, तो ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब कैमरा पे अगर आकर के मैं इसकी ऑप्शंस को खोलता हूँ, यहाँ पे कैमरा के ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन में थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूँ, की लगाता हूँ, थोड़ा इसको आगे करता हूँ और थोड़ा पास ले आता हूँ कैमरा को, और इस तरह से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ले घुमा देता हूँ इसको, तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक पोजीशन एनिमेट हो गई। तो आप इस तरह से कैमरा को एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन कैमरा के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो उन सब के साथ टैकल करना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए हमको सिंपलीफाई करने के लिए एक और तरीका है कैमरा एनिमेशन का, आप सिंपली एक नल लेयर बना लें, उसको 3D बना लें, और उस नल लेयर के साथ जो है पेरेंटिंग कर दें कैमरा की। अब नल लेयर जो है वो मास्टर है, वो पेरेंट बन चुका है कैमरा का। जहाँ पर भी आप नल लेयर को मूव करेंगे उस हिसाब से कैमरा आपका मूव हो जाएगा, और नल लेयर आपको दिखती भी रहेगी सीन के अंदर, ठीक है। मान लीजिए नल लेयर को आप रोटेट कर रहे हैं,
तो उस हिसाब से आपका जो है कैमरा साथ में रोटेट हो रहा है, तो आपके ऐसे पूरी की पूरी फ्रीडम आ जाती है, आप इजीली कीज़ वगैरह लगा सकते हैं। तो ये तरीका है कैमरा मूवमेंट देने का। अब ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करते हुए मैंने एक छोटा सा सीन बनाया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि कैमरा दूर से मूव होना शुरू हुआ और साथ में ये सुपरमैन रिवील हुआ और साथ में उसका कपड़ा हिल रहा है और साथ में आसमान थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और हमारी ये शेडो पड़ रही है यहाँ पर और ये एक कूल सा सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है हमको। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये शेडो तो आप समझ ही गए कैसे पड़ी है, पीछे मैंने जैसे आपको 3D के पीछे डाल के दिखाया था 3D लेयर के पीछे, वैसे सुपरमैन की मैंने फोटो ली है, उसके बैक साइड में मैंने लाइट डाली है, उससे यहाँ पर शेडो पड़ रही है, शेडो थोड़ी ब्लर है, वो मैंने आपको बताया था शेडो ब्लर करने के ऑप्शन जो है लाइट में। ये पीछे एक मैंने 2D लेयर ली है पहाड़ों की, ज़मीन जो ली है मैंने वो 3D जैसे उसके लिए बनाई थी वो ली है। जो कपड़ा हिल रहा है यहाँ पर उसके लिए क्या किया कि जो कपड़ा है वो अलग से मैंने अलग लेयर के अंदर बनाया हुआ है और उसके ऊपर टर्बुलेंट डिस्प्लेस का इफेक्ट लगाया और उसको एनिमेट किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये अभी एकदम पहले अंधेरा है और वहाँ से बढ़ते बढ़ते लाइट आ जाती है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि लाइट ट्रांसमिशन की जो आपको ऑप्शन बताई थी उसको एनिमेट किया है। शुरुआत में लाइट ट्रांसमिशन 0 है, आगे बढ़ते बढ़ते लाइट ट्रांसमिशन बढ़ जाती है, 100 मैंने नहीं की लेकिन कुछ बढ़ा दी है और इस तरह से आपका सुपरमैन आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो ये कपड़ा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बाहर निकल रहा है उसके बॉडी के इधर से, क्योंकि इसमें वही प्रॉब्लम होगी जो फ्लैग वाले ट्यूटोरियल में आपको याद था मैंने बताया था कि जहाँ से उसका एज होती है वहीं से वो हम पिन कर सकते हैं, इसकी एज कहीं ऊपर थी और मैंने इसको गलत जगह से पिन कर दिया तो थोड़ा सा यहाँ से मूव कर रहा है, वो आप अपने टाइम पर करेक्ट कर सकते हैं। तो इस सीन को हम एक बार अब बना के देखते हैं जो हम ये अभी वीडियो में देख रहे हैं। इसको मैं एक बार मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इस सब को डिलीट कर देते हैं, डिलीट। अब मैंने फोटोशॉप फाइल एक यहाँ पर बनाई हुई है, इसमें मैंने क्या किया सुपरमैन की इमेज जो है उसका कटआउट निकाला हुआ है, तो सिर्फ सुपरमैन अलग से है और सिर्फ ये कपड़ा अलग से है, ये दो इसके अंदर लेयर्स हैं, ठीक है, और इसको मैंने एज ए फोटोशॉप फाइल सेव किया हुआ है। अब हम ये फोटोशॉप फाइल जो है सूप्स कॉम्प नाम से मैंने बनाई हुई यहाँ पर, इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, मर्ज लेयर स्टाइल्स एडिटेबल भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्पोजिशन और रिटेन लेयर साइजेस ज़रूर करना, ओके। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन बन गई है जिसके अंदर ये हमारी एक लेयर जो है सुपरमैन की है और दूसरी लेयर नीचे क्लोथ की है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ एक नई कॉम्पोजिशन भी बनाता हूँ जो हमारा सीन उसका हम नाम रख देते हैं। अब मैं ये सूप्स कॉम्प जो थी इधर से आप जा सकते हैं उस कॉम्प में, ये दोनों लेयर्स को कॉपी करता हूँ और हमारी नई सीन कॉम्प के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, रीसेट मैंने इनको कर दिया ताकि ये सेंटर में आ जाए और ये जो है अब थोड़ी सी ऊपर चली गई है, इसको हम पकड़ के नीचे ले आते हैं, ठीक है, या इनफैक्ट इसको हम एक बार कंट्रोल जेड करके पहले ये जो लेयर है सुपरमैन इसका नाम एंटर प्रेस करके सूप्स कर देते हैं और जो क्लोथ है उसका नाम हम कर देते हैं केप, केप को हम चाइल्ड बना देते हैं सूप्स का और यहाँ पर इसको हम ट्रांसफॉर्म करके रीसेट कर देते हैं ताकि ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच जाए और साथ में केप भी साथ में आ जाएगी। अब हम इन दोनों लेयर्स को बना लेते हैं 3D और जहाँ पर भी सुपरमैन को हम लेके जाएंगे साथ में केप जाएगी क्योंकि वो उसकी चाइल्ड है। न्यू लेयर हम ले लेते हैं एक सॉलिड, इसको हम रख देते हैं फ्लोर इसका नाम, ओके, सेम जो चीज़ें मैंने अभी की थी, और इसको मैं 3D बना लेता हूँ, रोटेशन में मैं इसको 90° रोटेट कर देता हूँ और नीचे ले आता हूँ सिंपली ऐसे। सूप्स को भी हम नीचे ले आते हैं जब तक कि उसके पाँव यहाँ पर आप देख लेना टच हो जाएं उसके ऊपर, ये कटिंग होनी शुरू हो गई ऑलमोस्ट, यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो हमारा फ्लोर बन गया, फ्लोर को थोड़ा हम स्केल भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं स्केल कर लेता हूँ, इधर से भी स्केल कर लेता हूँ ताकि पूरा हमारा फ्लोर यहाँ पर बन जाए इस टाइप से। अब जो है मैं एक और लेयर यहाँ पर लेके आता हूँ, ये एक मेरे पास मैंने इमेज रखी हुई है बैकग्राउंड के लिए, इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं हम यहाँ पर सबसे नीचे भी डाल देते हैं तो ताकि हमारी 3D लेयर ऊपर नज़र आएँ, और ये हमारी फ़िलहाल 2D है लेयर, ये इसको भी मैं 3D कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको मैं एक बार कस्टम व्यू में जा करके अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट सबको सेंटर में आता है तो अभी सुपरमैन की लेयर के साथ ही हुई है, इसको हम पीछे कर देते हैं ताकि ये इतने गैप पे आ जाए जहाँ पे वो हमारी ख़त्म होने वाली है लेयर। अब वापस से इसको हम
एक्टिव कैमरा में ले आते हैं, तो इस तरह की कुछ नज़र आ रही है। इसको इनफैक्ट हम स्केल कर सकते हैं थोड़ा सीन को फिल अप करने के लिए, राइट। तो हमारा इस टाइप का कुछ सीन बन गया। अब मान लीजिए मैं एक न्यू कैमरा यहाँ पर लेकर के आता हूँ, ओके, न्यू नल लेयर में ले आता हूँ, इसका नाम मैं कैम कंट्रोल कैम सीटीआर कर देता हूँ, इसको 3D बना लेते हैं और ये जलेबी वाले आइकन से ड्रैग ड्रॉप करें ताकि कैमरा जो है इसका चाइल्ड बन जाए, या फिर कैमरा के यहाँ पर पेरेंट वाले लिंक में आप कैम कंट्रोल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कैम कंट्रोल पे जो भी की लगाऊंगा वो यहाँ पर उसके हाथ में कैमरा भी मेरा मूव करेगा। तो आपने नोट किया होगा कैमरा जैसे ही मैंने लगाया था तो ये जो पीछे वाली इमेज है ये अब छोटी हो गई सब कुछ, बिकॉज वो कैमरा जो है ऑन करते ही कैमरा की जो फोकल लेंथ है यहाँ पे 15 mm, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ा देता हूँ 24 कर देता हूँ तो वो चीज़ें थोड़ी सी सीन के अंदर आ जाएंगी। तो ये फोकल लेंथ इस तरह से काम करती है, जितना फोकल लेंथ जो है नंबर बड़ा होता जाएगा उतना आप सब्जेक्ट के पास जाते जाएंगे, उतना आपका सब्जेक्ट के ऊपर लॉक होते जाएंगे। कैमरे का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, कैमरा उतनी दूरी पर रहेगा लेकिन उतना क्लोजअप हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर एक की लगा लें यहाँ पर, और कुछ फ्रेम बाद मान लीजिए हम इसके ऊपर इसको पास ले आते हैं जेड एक्सिस में, यहाँ की लगा लेते हैं इतना कुछ। कुछ फ्रेम पहले जा करके हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, यहाँ की लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये इस तरह से कैमरा मूव करता हुआ आपका जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इजी इज इन कर सकते हैं ताकि स्मूथली कैमरा आकर के रुके। तो ये आपका कैमरा मोशन हो गया। इसके बाद में हम बेसिकली इस जो चीज़ को है थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं ताकि हमारे सीन को फिल कर दे शुरू में। ये जो हमारा फ्लोर है इसको भी हम थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं साइडों तक ये फिल हो जाए, ताकि अब हमारा यहाँ से यहाँ तक ही मूवमेंट है और कुछ भी सीन के अंदर कट नहीं रहा। इस टाइम पे हम इसको सेव कर लेते हैं। सूट्स सीन ट्यूटोरियल के, अब हमारा मेन जो चीज़ है लाइट, न्यू यहाँ पर हम लाइट ले आते हैं। स्पॉटलाइट हम फिलहाल ले, मैं आपको एक बार पैरेलल भी दिखा देता हूँ क्या करती है। पैरेलल लाइट हम लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। पैरेलल लाइट बेसिकली कुछ गोला वगैरह नहीं बनाती है, पूरी की पूरी सीन के ऊपर एक साथ यहाँ पर पड़ती है, ब्राइट है ये। इसको मैं इंटेंसिटी को इसकी 100 करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रही है, सारे सीन के ऊपर पड़ रही है। तो फिलहाल मैं अपना जो इफ़ेक्ट था उसको बनाने के लिए स्पॉटलाइट ही लूँगा, उसी से वो फीलिंग आ पाएगी, क्योंकि मुझे सारा कुछ एक साथ रिवील नहीं करना। स्पॉटलाइट लिया मैंने, इसको वापस 800 कर देते हैं इंटेंसिटी इसकी, और ओके। अब स्पॉटलाइट वही फ्रंट से पड़ रही है, तो एक बार हम दोबारा से टू व्यूज़ में जाते हैं। इधर वाले व्यू के अंदर जो है हम अपना सूप्स देखते हैं कहाँ पर पड़ा हुआ है। सुपरमैन हमारा यहाँ पर है, लाइट इधर है, लाइट को हम मूव कर देते हैं। टॉप व्यू है ये, टॉप व्यू में मैं देख पा रहा हूँ कि सुपरमैन से पीछे हम लाइट को ले गए हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको घुमा करके हम इधर ले आते हैं। तो वही अगेन सेम चीज़ हो गई, सुपरमैन जो है वो आउटलाइन नज़र आने लगी अब, लेकिन यहाँ पर पीछे जो है ब्लैक हो गया, बिकॉज लाइट के पीछे जो है जो भी चीज़ है वो अंधेरे में चली गई है। पीछे क्या थी हमारी, पहाड़ों वाली लेयर थी, तो वो हमारी जो लेयर है उसका नाम यहाँ पर क्या था, सनराइज़, इसको हम बीजी कर लेते हैं इसका नाम। तो बीजी वाली लेयर जो है इसके हम डबल ए प्रेस करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर क्या है कि हम लाइट यहाँ पर जो एक्सेप्ट लाइट्स लिखा हुआ है इसको ऑफ कर देते हैं, उससे क्या होगा इसके ऊपर लाइट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लाइट होने की वजह से जो पीछे ये ब्लैक हो रहा था, बिकॉज लाइट के बैक साइड पर अंधेरा रहता है, अब लाइट का असर ही नहीं होगा तो वो चीज़ हमें पूरी नज़र आएगी। तो हमारे सुपरमैन की ये शेडो नज़र आ रही है नीचे इस तरह से हमारा जो है, लेकिन शेडो भी सामने नज़र नहीं आ रही। सो हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, सबसे पहली चीज़ हमारी स्पॉटलाइट के अंदर का शेडो ऑन है, बिल्कुल ऑन है। हमारा जो सुपरमैन है उसके मटेरियल में हम जाते हैं, यहाँ पर का शेडोज़ ऑन, जैसे ही ऑन किया शेडोज़ बननी शुरू हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक अब ऐसे मूव करेगा, सुपरमैन की शेडो यहाँ पर बन रही है। ऐसी हमारी जो केप है, केप में भी हम डबल ए क्लिक करते हैं और का शेडोज़ ऑन कर देते हैं, तो अब केप की भी शेडो यहाँ पर बन रही है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि मान लीजिए सुपरमैन जो है, पहले केप को ही कर लेते हैं, डबल ए प्रेस करते हैं। लाइट ट्रांसमिशन अगर मैं इसकी बढ़ाता हूँ तो जैसे ही लाइट ट्रांसमिशन बढ़ाऊंगा आप देख रहे हो दिखनी हो जाएगी शुरू। अभी मैं इसको यहाँ से जो है फुल की बजाय क्वार्टर पे कर लेता हूँ, और
ताकि थोड़ा हमारा बफरिंग तेज हो जाए, थोड़ा ब्लर नज़र आएगा आपको लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की। टू व्यूज से मैं इसको वन व्यू में ले आता हूँ, तो अगर जो इसकी लाइट ट्रांसमिशन की ऑप्शन है इसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ। शुरुआत में हम इसको ज़ीरो रखते हैं और जब ही हमारा कैमरा यहाँ पहुँच जाएगा उस टाइम तक आते आते हम इसकी ऑप्शन इसको थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 15 कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ ऐसे एनिमेट होके रिवील होता हुआ नज़र आएगा थोड़ा सा। सेम चीज़ हम करेंगे सूप्स पे, डबल ए प्रेस करेंगे और लाइट ट्रांसमिशन पहले हम ज़ीरो रखेंगे और फाइनल की फ्रेम पे आकर के हम इसको 15 कर लेंगे और ये रिवील नहीं हुआ कुछ भी। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो भी ये रिवील नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो केप है ये उसके हाथ में कॉइंसाइड हो रहा है 3D के अंदर, तो हमें क्या करना है, ये एक्सेप्ट शेडोज जो है इसको मैंने सुपरमैन के केस में मैं इसको ओनली के बाद एक बार और क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ कि सुपरमैन खुद शेडोज एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो अब ये लाइट को पास होने दे रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारी जो स्पॉटलाइट है वो ज़्यादा नीचे है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं ताकि सुपरमैन उसको नज़र आ जाए, ठीक है जी। इस तरह से जो है अब सुपरमैन उसमें से रिवील हो जाएगा, राइट। तो ये हमने ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा इसको आपको एक बार हाफ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से थोड़ा क्वालिटी आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कैमरा मूव कर रहा है और हमारा सुपरमैन रिवील हो रहा है, पीछे हमारा सीन है, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही चीज़ें होती जा रही हैं। दूसरा मैंने क्या किया था, ये लाइट जो है इसको थोड़ा और मैं पीछे ले गया था, उसके लिए मैं स्पॉट लाइट पर जा कर के यहाँ पर दूसरा कैमरा एंगल ले आते हैं, कस्टम व्यू, इसको आप और पीछे ले जा सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आप यहाँ पर वापस एक्टिव कैमरा में आएंगे, थोड़ा आपको और बेटर यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं लाइट को, राइट। शेडो यहाँ पर मैंने शार्प रखी हुई है अभी, इसको मैंने फाइनल रेंडर में ब्लर कर दिया था, अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि उससे सीन थोड़ा हैवी हो जाएगा। अब जो चीज़ें हमारी वो है, केप को मैंने जो हिलाया था वो कैसे किया था, उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट में जा कर के, याद है आपको लास्ट टाइम हमने वेव लगाया था, अगर मैं वेव वॉप लगाता हूँ केप के ऊपर, केप किधर गया हमारा, ये रहा, केप पे मैं वेव वॉप लगाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो चीज़ मूव होनी शुरू हो गई है, ठीक है, उसके अंदर एनिमेशन आ रही है। तो वेव भी आप लगा सकते हैं, बट वेव जो है बड़ा एक सिमिलर से पैटर्न में चलता है, लेकिन जब हवा से कपड़ा हिलता है तो किसी भी डायरेक्शन में हिल सकता है, इसलिए हम वेव वॉर्प लगाने के बजाय यहाँ पर लिखेंगे टर्ब्यूलेंट डिस्प्लेस, लिखा हुआ आ गया। इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं केप के ऊपर, तो मैंने टर्ब्यूलेंट डिस्प्लेस लगाया, इसमें बाय डिफॉल्ट अपने आप एनिमेशन नहीं होती, यहाँ पर एवोल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर की लगा सकते हैं, तो यहाँ पर एक की लगाएं और आखिर में जो है एवोल्यूशन को यहाँ पर आप मान लीजिए 10 कर देंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका मूव होता रहेगा, इस तरीके से हिलता रहेगा ये, ठीक है। अब ये पूरा रैंडमली हिल रहा है, सारा ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है पिनिंग के अंदर टॉप जो है मैं इसको पिन टॉप कर देता हूँ, तो ऊपर से ये फिक्स हो जाएगा, बाकी जगहों से हिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो स्केल है ये भी थोड़ा स्केल इसका, यहाँ से आप साइज़ जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना ये बड़ा साइज़ होगा उतना आपका ये जो है ज़्यादा दूर तक जाएगा, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी आपकी लहरें छोटी बनेंगी, अगर बहुत छोटा कर देंगे तो ये बिल्कुल ही ऐसे हिलेगा, ठीक है। तो इतना छोटा भी नहीं करना, थोड़ा सा कपड़ा लगे इतना आप इसको रखें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी रैंडमली इधर उधर ना जाए। तो एक स्वीट सा स्पॉट आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर आपका इफ़ेक्ट अच्छा नज़र आए, तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हम इसको। तो ये जो चीज़ है, अगर मैं इसको एक बार 3D व्यू में आपको दिखाता हूँ, कस्टम व्यू, अब मैं प्ले करता हूँ तो देख रहे हैं शेडो के अंदर भी कपड़ा हिल रहा है, बिकॉज वो उसी चीज़ की शेडो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो ये एक बड़ी कूल चीज़ है कि आप बिल्कुल इस तरह से कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसकी रियल शेडो यहाँ पर बन रही है। एक्टिव कैमरा पे हम आ जाते हैं जो हमारा एनिमेटेड कैमरा है, तो हमारा रिवील होने तक का पार्ट हो गया। आफ्टरवर्ड्स जो फ्लोर है, मैंने एक तो इसका कलर चेंज किया था, तो ये मैंने क्या किया था, पहले तो मैंने जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज किया था, उसके लिए मैं इफ़ेक्ट्स में कलर करेक्शन में कर्व्स यहाँ लगा देता हूँ, आप यहाँ से भी लिख करके लगा सकते हैं। कर्व्स में मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ, इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से काफ़ी डार्क करता हूँ ताकि जो ये पहाड़ हैं ये इसमें ब्लेंड हो जाएं ऑलमोस्ट ब्लैक के अंदर, तो मैंने इस टाइप का कुछ किया था, राइट। और जो अब मेरा फ्लोर है इसका मैं लेयर पर जाके सॉलिड सेटिंग पर जा करके कलर जो है इसको चेंज करना चाहता हूँ,
इस कलर को मैं ऐसे पिक करके यहाँ का रेड या कुछ इस टाइप का कलर यहाँ से पिक कर सकता हूँ, तो मेरा फ्लोर इस टाइप का हो गया। हालांकि ये जो चीज़ है ये मैं फ्लोर का कलर अगर यहाँ से चेंज ना करूँ, इनफैक्ट अपनी जो लाइट है, लाइट वाली लेयर हमारी यहाँ पर है स्पॉट लाइट, इसका कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, तो मैं लाइट के कलर से भी चेंज कर सकता हूँ। बट उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा सुपरमैन मेरा रेड हो जाएगा। हालांकि बुरा ये भी नहीं लग रहा, बट मैं चाहता हूँ कि सुपरमैन के ऊपर असर ना हो, क्योंकि उसके लाइट ट्रांसमिशन से वो रेड लाइट थ्रू से निकल रही है उसके बीच में से, तो रेड कर रही है सारी चीज़ को। इसलिए मैं लाइट को नॉर्मल रखता हूँ और जो फ्लोर है हमारा उसको जो है उसकी सॉलिड सेटिंग्स पर जा करके और उसका मैं यहाँ पर रेड टाइप का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये उसी टाइप की चीज़ आ गई है। लास्ट चीज़ क्या थी कि मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है यहाँ पर ये इसको मूव किया था ऊपर वाले जो पूरा जो हमारा बीजी है उसके लिए यहाँ पर सिंपली सीसी स्लांट लिख दें आप, या ओनली स्लांट भी लिखेंगे तो चलेगा। ये इफेक्ट आ गया, इसको बीजी पे डालें। अगर आप स्लांट के ऑप्शन को इधर को बढ़ाएंगे, देख रहे हैं ये चीज़ ऐसे इधर से उधर मूव हो रही है, ठीक है। और ये होती कहाँ से है मूव, जो इसका यहाँ पर फ्लोर पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो फ्लोर पॉइंट है यहाँ नीचे घूम रहा है, इसको उठा करके मैं एक बार पहाड़ के आसपास कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे करूँगा तो देख रहे हैं आप, ये जहाँ पे आपने ये पॉइंट रखा ना उसको ये फ्लोर कंसीडर करेगा और वहाँ से लेफ्ट राइट को ये चीज़ मूव होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ, -10 कर देता हूँ, पे की लगा देते हैं और इसको लास्ट में आकर के यहाँ पर +15 कर देते हैं, ऑटोमेटिकली की लग जाएगी इस पर। अब यहाँ से यहाँ तक जो है देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये बादल मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि इससे पहाड़ भी मूव कर रहे हैं, बट जब ये प्ले होता है तो थोड़ा सटल सा कुछ हिलता हुआ आपको ओके ही नज़र आएगा, ठीक है। इनफैक्ट आप जो ये पॉइंट है वो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, और ये आपको मूव करता हुआ थोड़ी सी इसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी। अब फाइनली ये स्लांट करने के से यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, तो हम इसको हल्का सा स्केल कर देते हैं उस गैप को फिल करने के लिए, और ये है हमारा सीन तैयार हो गया। और इसको फिर आप रेंडर करने से पहले फुल रेजोल्यूशन करके फिर रेंडर कर लें इसके अंदर। बाकी हम और भी बहुत एडिशन कर सकते हैं इसमें, हम पार्टिकल्स डाल सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं इसके तौर। आपको अगर याद हो मैंने पपेट पिन आपको बताया था, तो आप सुपरमैन को अगर थोड़ी सी मूवमेंट देना चाहते हैं तो पपेट पिन लगा के सुपरमैन को थोड़ी सी मूवमेंट दे सकते हैं, थोड़ा वो और ब्रीदेबल अलाइव करेक्टर नज़र आएगा आपको। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये सीन हम कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस सीन की प्रोजेक्ट फाइल भी डाउनलोड करके इसको ओपन करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लेयर्स बनाई हैं और क्या क्या इफेक्ट कैसे लगाए हुए हैं। तो आज इस ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और 3D के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा होपफुली। कॉन्फिडेंट आप पहले ही थोड़े हो चुके थे आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक वर्किंग में, अब आप एडवांस चीज़ों के ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसमें क्या डिफरेंट है। प्रीमियर प्रो में आप सोच भी नहीं सकते सब कुछ करने के बारे में जो हमने आज यहाँ पर किया है। ये इफेक्ट्स के लिए स्पेशली बना हुआ सॉफ्टवेयर है, तो जो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर एडिटिंग मैं आफ्टर इफेक्ट्स में करूँ, वो बेतुकी बातें हैं बिल्कुल ही। एडिटिंग के लिए आप प्रीमियर प्रो में जाएं और इफेक्ट्स के लिए आप आफ्टर इफेक्ट्स में आएँ, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज कुछ सीखने को मिला होगा बेटर काफ़ी, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम थोड़ा थोड़ा और एडवांस्ड बढ़ते जाएंगे आगे। और अभी आधा हमारा कोर्स हो गया, काफ़ी अच्छा आपने अचीव कर लिया। फाइनली जब लास्ट क्लास तक आते आते आप लोगों को VFX का मोस्टली सब कुछ पता लग जाएगा। तो जैसा कि हमने जीरो से हीरो वाला कोर्स शुरू किया था, फाइनल क्लास आते आते आप सब लोग VFX में भी हीरो बन जाएंगे। बाकी उसके बाद मैं एडवांस ट्यूटोरियल्स तो हम करते ही रहेंगे, मेरा जो मेन पर्पज़ है कि सबको एक पेज पे लेके आने वाला, सबको आफ्टर इफेक्ट्स के सारे बेसिक नॉलेज कंप्लीट पता होने वाली, बेसिक क्या बेसिक से इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक की इस कोर्स के अंदर आ जाएगी, तो आपको नॉलेज काफ़ी हो जाएगी सारों लोग को। उसके बाद प्रैक्टिस है आपकी और फाइनली ट्यूटोरियल और आते रहेंगे, तो एडवांस ट्यूटोरियल्स करते करते आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप और ज़्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। तो ये थी जानकारी 3D के बारे में, होपफुली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक, क्योंकि अभी तक सब लोगों को कईयों को ये लगता था कि आफ्टर इफेक्ट्स सिर्फ एक 2D सॉफ्टवेयर है। जिनको जानकारी थी 3D है उनको कुछ नॉलेज बढ़ी होगी, जिनको नहीं पता था उनके लिए काफ़ी नई नॉलेज होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें हर नेक्स्ट वीडियो की। और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर आप लाइक कर सकते हैं जाकर के,
और ट्विटर के ऊपर फॉलो कीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं ट्विटर के ऊपर ही डालता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। अब आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वीडियो बनाने की काफी जानकारी हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेंडरिंग के बारे में कि आप अपनी वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और निकाल करके उसको कैसे दुनिया के साथ में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।